तो उधर सिब्बी में भी जगह जगह लंडा बाजार लगाए गए, लेकिन लंडा बाजार में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों की कसीर तादाद लंडा बाजार पहुंची तो है, मगर यहां भी महंगाई के शिकवे हैं। कहते हैं बाजार से नए कपड़े खरीदना मुमकिन नहीं रहा, मगर यहां भी महंगाई उरूज पर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज मियां यूसुफ से। जी बिल्कुल, अगर हम फिक्र करें महंगाई की, तो डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद जो महंगाई है वो थम नहीं सकी है। अगरचे हम लुंडा बाजार का जिक्र करें तो लुंडा बाजार भी सफेद पोश लोगों की दस्तरस से बाहर निकल रहा है। लुंडा बाजार में इस वक्त जो लोगों का आम रूटीन के मुताबिक जो रश कश होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ चंद खरीदार मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जी आप क्या खरीदने आए हैं और महंगाई का हल्के दें कि किस कदर महंगाई है लुंडा बाजार में भी। अस्सलामुअलैकुम। महंगाई आप देख रहे हैं, मुल्क की हालात, गरीब बंदा तो वैसे नई चीज़ नहीं खरीद सकता है, बस ये कबाड़ी से मुतवज तबका, लेकिन आजकल कबाड़ी भी महंगाई की वजह से तो आवाम बस गरीब सफ़ेद पोश आते हैं खरीदारी करने हैं, कोई कोट बास्केट या बच्चों के लिए कोई, लेकिन लगता है कि ये चीज़ भी अब खरीद की कुव्वत खरीद से महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुल्क की हालात है। जी बिल्कुल, यकीनन आपने यहाँ पर इस खरीदार की बातें सुनी। यहाँ पर इनका ये कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम सफ़ेद पोश गरीब शख्स जो है वो लुंडा बाजार से इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी खरीद नहीं सकता है, और आम शहरियों की जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होती जा रही है। जी